वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बर्गर मार्ट। ये बहुत ही मज़े का बर्गर था इनका, जिसको मटका बर्गर ही कहते हैं। बहुत मज़े का था, इनका एम्बियांस भी बहुत अच्छा था। मतलब ऑर्डर देने के बाद यूँ ये इन्होंने डोमिनो पीसेस रखे हुए थे जी, जब तक वेट करना है तो बोर ना हो और बैठ के कुछ भी टावर वगैरह बिल्ड करें और इंजॉय करें। मेरे बेटे ने तो बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। इस तरीके से चेस भी रखी हुई थी वहाँ पे जी, खेलें और वेट करें। इट वॉज रियली गुड जी। तो ये हमने शेक ऑर्डर किया था मेरे बेटे ने, चॉकलेट शेक, वो तो आ गया और साथ ही ये बर्गर भी आ गया। ये था चिकन बर्गर, वॉज वेरी नाइस, यमी था और जूसी था, ड्राई नहीं था, बहुत मज़े का था। इसके अलावा जो स्पेशल चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो थी ये मटका बर्गर जी। देख रहे हैं आप कैसे आग लगी हुई है उसके ऊपर, असल में भी बहुत मज़े का था। अच्छा, ये बर्गर का जो ऊपर मटका है वो उसको तोड़ते ज़रूर हैं, मतलब बड़ा एक यूनिक सा स्टाइल है इनका। ये कहते हैं कि 60% तो हम पहले बना लेते हैं, ये बीफ की पैटी है ना एक्चुअली इसके अंदर, वो कहते हैं कि इसकी 60% हम वैसे पकाते हैं, बाकी जो 40% इसकी कुकिंग है वो इस तरह मटके के अंदर बंद करके और फायर ऑन करके फिर होती है। ये बहुत ही मज़ेदार जूसी सा पैटी है। ये देखिए जी, सारा अरोमा उन्होंने बर्गर में डाल दिए। अच्छा, ये बर्गर बन भी जो इनका था ना, ये है पोटैटो बन, तो ये बहुत टेस्टी था, सॉफ्ट था बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बर्गर मार्ट के नाम से है, जौहर टाउन में है, शौकत खानम हॉस्पिटल के पास ही है। जब तक हम बड़े अपना बर्गर फिनिश कर रहे थे तो बच्चा जो है वो खेल रहा था अपनी ये टावर बना रहा है, इंजॉय कर रहा था, उसने बहुत इंजॉय किया इस जगह को माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।